तो दोस्तों कई बार आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह की सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि ये रहे तुम्हारे पैसे, या फिर ये रहा तुम्हारा पति, या फिर ये रहे तुम्हारे बच्चे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। उससे पहले यदि अभी तक आप हमारे बुक को और हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर में आपको लिखना है सबसे पहले हेयर, और उसके बाद आपका जो सेंटेंस का लास्ट वाला पार्ट है उसे आपको लिख देना है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, जैसे कि ये रहे आपके पैसे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी हेयर इज योर मनी, यानी कि ये रहे आपके पैसे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये रही आपकी कार, तो इसकी इंग्लिश बनेगी हेयर इज योर कार। तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, ये रहा आपका फोन, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। थैंक यू।